हेलो नमस्कार, जय हिंद। फिर से आ गए हैं आपके लिए एक और वीडियो लेके टाटा पंच। वही मौसम दोबारा बहुत ही ज़्यादा सुहाना है और देख लो आप, रास्ते आपके सामने हैं। समय हो रहा है 9:34 या ज़्यादा ही हो रहा होगा, 10 मिनट पीछे वैसे। एंड दफ्तर की तरफ बढ़ चुके हैं और आज जैसा कि मैंने आपको बताया था जो लास्ट वीडियो थी, उसके बाद एक टाटा पंच के नेगेटिव्स की वीडियो में डालूंगा, ठीक है। अब उसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है कि इसके कुछ ऐसे नेगेटिव्स जो मुझे लगता है कि यार जनो पब्लिक को पता होने चाहिए, समवन हु इज बाइंग दिस व्हीकल। क्योंकि ऑफकोर्स सेल्समैन आपको कभी कमियां नहीं बताएंगे या फिर टाटा कभी ये नहीं बताएगा कि यार ये चीज़ें नहीं है, तो वो होता ही है। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट पर होता ही है कि एक यू नो हाइप बनानी पड़ती है अच्छी सी कि वी आर सेलिंग दी बेस्ट प्रोडक्ट। और नो डाउट ये अच्छा भी प्रोडक्ट है, बट हर प्रोडक्ट की कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं और उसी के ऊपर ये वीडियोस बनती हैं। लास्ट में मैंने आपको सारा पॉजिटिव बताया था, अब मैं आपको सारा इसका नेगेटिव बताने वाला हूँ मेरे अकॉर्डिंग कि क्या नेगेटिव होता है इस गाड़ी में। तो मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ टाटा पंच की, मैं एक चीज़ आपको फर्स्ट और बता सकता हूँ कि ये कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता या फिर मैं कुछ ऐसे सोच के नहीं आता घर से कि मैं ये बताऊंगा। जो मुझे खामियां लगती है मैं सीधा बता देता हूँ, जो मुझे पॉजिटिव लगा वही मैं बता देता हूँ। तो कोई भी ऐसा बंदा जिसको टाटा पंच खरीदनी हो और टाटा पंच की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल चाहता हो कि यार ये चीज़ें मेरे समझ नहीं आई, मेरे चैनल पर आके एक बार वीडियोज़ देख लो। इसके बाद आपको डिसीजन आपके हाथ में होगा कि आपको लेनी है नहीं लेनी है, ये गाड़ी आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। विद दैट नोट चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो, कमियों में गाड़ी के बारे में अगर मैं बोलूं तो सबसे पहली जो कमी मुझे इस गाड़ी में लगी थी व्हेन आई थॉट ऑफ मेकिंग अ डिसीजन टू बाय दिस कार एज अ यूज़र, वो यही थी कि इसका प्राइस रेंज। अब आप मुझसे बोलोगे यार प्राइस तो ठीक है, देखो हर कोई यही कहता है कि बेस मॉडल से ऊपर या फिर अकम्प्लिश तक। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अकम्प्लिश 8,20,000 में आ जाती है, विच इज़ फाइन, क्योंकि टियागो का टॉप मॉडल भी 7,00,000 अभी 60-70,000 तक जाता है ऑन रोड। बाकी सिटी टू सिटी वेरिएट करता है कहाँ पर टैक्स ज़्यादा है कहाँ पर टैक्स कम है, ठीक है। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, टियागो का जो सबसे ऊपर का मॉडल है वो 7,70,000 रुपये का ऑन रोड होता है उत्तराखंड में, और गाज़ियाबाद में उसमें वो 7,50 में निपट जाता है, 55 तक निपट जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसी चीज़ को टॉप एंड मॉडल पर ले जाऊँ तो टाटा पंच का टॉप मॉडल जाता है 10,00,000 को छू देता है वो ऑलमोस्ट, अगर आप डुअल टोन वेरिएंट्स को जाते हो तो, ठीक है। और मतलब 10,00,000 में इस टाइम पे अगर मैं बोलूँ एग्जैक्टली, अगर मार्केट्स की हम बात करें कि भाई मार्केट एक्चुअली में इतना है जितना प्राइस ये गाड़ी मांगती है एग्जैक्टली, तो शायद मेरा आंसर इसमें लेके यही होगा कि टाटा पंच की जो प्राइसिंग रखी ना गाड़ी ने, बेस मॉडल ठीक रखा, बहुत सही रखा, 5,90,000 मतलब स्टार्टिंग में तो 5,70,000 था, अब तो प्राइस हाइक की वजह से इतना पहुंच गया है। सो टॉप एंड मॉडल डेफिनेटली मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है लेते हुए। मैं ये नहीं कह रहा उसकी डिमांडिंग नहीं है, डिमांडिंग है, बट गाड़ी की जो बाकी वेरियंट्स हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा ऊपर है कंपेरेटिवली लो हायर वेरियंट्स की। और अकम्पलिश तक मुझे लगता है गाड़ी एक सही प्राइस में है, जहाँ पर आपको डिसेंट इनफ फीचर्स भी मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब आ जाता है उसमें, बट उसमें अलॉयज काट दी इन्होंने, अलॉयज हटा दिए, जो गाड़ी का मेन शो है आगे से DRNs वो हटा दिए। अब उसके लिए इन्होंने क्या करा कि 40-30,000 का पैक अलग से डाल दिया कि भाई एक पैक ये ले लो, डेजल पैक नाम से वेरियंट बेचेंगे, उसमें हम ये सब चीज़ें दे देंगे आपको, ठीक है। विच बाय द वे इज एडिशनल कॉस्ट। मैं लोगों को रिकमेंड ज़रूर करता हूँ कि अकम्पलिश में तो डेजल भी लें, बिकॉज फिर उतने फीचर्स को मिस आउट करना भी ठीक नहीं है। बट ये ठीक है कि हाँ 30-35,000 में वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन एनी हाउ वो है तो महंगा ही वेरियंट पहुँच जाता है वो 8,70,000 के करीब, जो मेरा वेरियंट है मतलब, ठीक है। और अगर मैं कंपैरेटिवली अभी मार्केट की बात करूँ तो 8,00,000 से ऊपर बहुत सारी गाड़ी आ जाती है। सोनेट का बेस मॉडल इससे पहले सस्ते में स्टार्ट हो जाता है किया की, ठीक है। टाटा नेक्सॉन आपको मिल जाएगा बेस मॉडल जिसमें टर्बो इंजन आता है, बाय द वे म्यूजिक सिस्टम तो ज़्यादातर लोग बाहर से लगवा ही लेते हैं, ऐसे कोई बड़ा इशू वाली बात है नहीं वो। ब्रेजा स्टार्ट हो जाती है, वेन्यू है अभी लाइन में, ठीक है। तो लाइन कुछ ज़्यादा लंबी है। बाकी प्राइसिंग के मामले में मुझे लगता है ये गाड़ी एक नेगेटिव प्ले रोल प्ले करती है, पहला पॉइंट। अब आते हैं सेकंड नेगेटिव मुझे क्या लगता है इस गाड़ी का, ठीक है। देखो ये मेरे लिए नेगेटिव नहीं है बट बहुत सारे लोगों के लिए है, वो है इसका इंजन।
अब इसके इंजन में डेफिनेटली टाटा को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो करना चाहिए था जो वो अभी लास्ट की गाड़ियाँ देते हैं। आपने टियागो में भी सेम इंजन दे दिया, एल्ट्रॉस में भी सेम इंजन दे दिया, चलो एल्ट्रॉस में तो बहुत इंप्रूवमेंट है, एल्ट्रॉस में तो खैर बहुत सारे वेरियंट्स आ गए, बट क्योंकि ये गाड़ी लेटेस्ट थी और इसके बाद अभी तक कोई गाड़ी आई भी नहीं है, तो एटलीस्ट इस गाड़ी को और भी कुछ नहीं तो यार थोड़ा इंजन स्पेक्स अच्छे कर देते, अब वो भी नहीं करा तो ट्यून अच्छे से कर देते, ठीक है। और वो जो स्टार्टिंग में नई गाड़ियों का पावर लैग है ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा महसूस होता है, मतलब इतना हो जाएगा कि एक बार को आपको लगेगा यार ये कुछ ज़्यादा ही नहीं, बिल्कुल पंजा दबाने पे गाड़ी खींची नहीं रही है, आगे हल्के हल्के खींच रही है, ठीक है। विद टाइम आप इसको एडजस्ट कर लोगे, आप समझ जाओगे इसको कैसे खींचना है ट्रैफिक में, बट अगर मैं अभी करंट सिनेरियो की बात करूँ तो डेफिनेटली एक बार वो महसूस होता है, एंड विच इज़ समथिंग नेगेटिव कि टाटा ने एटलीस्ट एक नई गाड़ी निकाली, नए प्लेटफॉर्म पे निकाली, मतलब नए प्लेटफॉर्म पे नहीं, नए डिज़ाइन में निकाली, थोड़ा इंजन स्पेसिफिक चेंज कर देते, नहीं करना था तो एटलीस्ट एक डीजल का ऑप्शन या इसी में टर्बो का ऑप्शन दे देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। हम सिर्फ ये अज्यूम नहीं कर सकते कि टर्बो महंगा होता तो बिकता नहीं, जब ये गाड़ी इतना सेल आउट कर सकती है तो लोग 50-60 हज़ार या इसके लिए ज़्यादा सोचते नहीं ले लेते, क्योंकि उसमें इंजन भी मिल जाता, पावर भी मिल जाती, सेफ्टी तो इसकी सर्वोपरि है ही, इससे ज़्यादा बंदे को नहीं चाहिए होता, फीचर्स में लोग फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, राइट। सो ये एक ज़रूर है कि हाँ इंजन, अब मैं इंजन को ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं करूँगा बिकॉज आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ जानते हैं 36 सिलेंडर इंजन, और पावर लैग गाड़ी में स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा लगा था, बट उस टाइम पे मैं नया ड्राइवर था, मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं थी, तो मिल रहा तो भाई जो मिल रहा वही बहुत था, बट आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो एक ड्राइव अच्छे खासी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस रखते होंगे, तो उनको ज़रूर ये चीज़ लगेगा कि यार हाँ थोड़ा सा इंजन में ज़रूर है, बट एज अ फैमिली पर्सन शहरों के हिसाब से कोई कमी नहीं है, ये मैं खुद बता दूँ, इट्स जस्ट अबाउट स्पेक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट हो गया आपका प्राइस, सेकंड मैंने आपको इंजन बताया, तीसरी मैं चीज़ बताऊँ जो मेरे को महसूस हुई इस गाड़ी में, वो इसकी फिट एंड फिनिश है। इसमें इतने गैप्स हैं गाड़ी में, पीछे आप डिग्गी में देखो, मोस्ट ऑफ द टाटा पंच की पीछे की जो डिग्गी का पैनल गैप है वो ज़्यादा है, ठीक है। कहीं कहीं आप देखोगे लगेगा कि यार यू नो फिट एंड फिनिश में टाटा ने काम किया, क्लैडिंग का कोई प्लास्टिक बाहर आ रहा है, ऐसी बहुत सारी और चीज़ें जिसमें मुझे अभी याद नहीं आ रही, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ उनमें से, ठीक है। डिग्गी वाला तो स्पेसिफिकली यार बड़ा इरिटेटिंग है कि मैंने जो स्पॉइलर लगाया हुआ है ना गाड़ी में पीछे, वो डिग्गी की वजह से मैंने लगाया अपने शौक के लिए था कि अच्छी लगी गाड़ी पीछे से, अब उसको उठाता हूँ तो वो स्पॉइलर हल्का हल्का बॉडी टच करता है ऊपर से, छत यानी की गाड़ी की टच होती है उसे स्पॉइलर से, तो वो बड़ा खलता है कि यार आपने इतना पैसा दिया, ठीक है, उसके बाद भी ये छोटी मोटी चीज़ें फिट एंड फिनिश की, तो डेफिनेटली वो एक कमी है, तो ये मुझे महसूस ज़रूर होती है। मैंने जब गाड़ी ली थी तो उन्होंने एक डेंटर पेंटर मंगाया था, जो इनका मतलब डेंटर ही होगा, पेंटर तो क्या ही होगा, वो जो इनके सर्विस सेंटर में रहता है जो डेंट्स ठीक करता है, तो उसने आगे थोड़ा सा स्पेस बना दिया था खोल के एक डिग्गी को, बट फ़ायदा क्या है यार, आंखों के सामने चीज़ें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है, बट मेरा उस टाइम पे इंश्योरेंस कट चुका था, तो फिर मैं भी मजबूर हो गया था कि आप तो कुछ कर भी नहीं सकते हो, कर लो भाई, वो एक दुख ज़रूर है कि यार नई गाड़ी फर्स्ट गाड़ी में ज़रूर ये एक्सपीरियंस हुआ, तो ये एक कमी है इस गाड़ी में। आप भी जब भी लो ना फिट एंड फिनिश चेक करके लेना, एक सजेशन है मेरा, और इंश्योरेंस कटने से पहले गाड़ी देखो, ये क्या करते हैं इंश्योरेंस काट देंगे, बाद में फिर आपको लगता है कि अरे यार ये तो अब तो इंश्योरेंस कट गया, अब यही गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो इंश्योरेंस कटने से पहले पहले अपनी फिट एंड फिनिश प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जैसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से, एक एक चीज़ की कमी लगती है ना, वहीं डीलर से बोलो भाई मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए, पैसा दे रहे हो आप, और बाद में लेने के बाद फिर वो चीज़ मन में रहे तो रहता है यार। हाँ अगर छोटी मोटी माइन्यूट सी चीज़ें आप समझते हो यार ठीक है ये तो हर गाड़ी में थोड़ा फिट फिनिश होता है, यू आर ओके विद दैट, तो आपकी चॉइस है। तो तीसरा मुझे फिट एंड फिनिश जरूर लगता है इस गाड़ी में कि एक कमी जो टाटा ने इसमें डाली है वो फिट एंड फिनिश की है। अब अगर मैं इसके बाद आऊँ फिट एंड फिनिश के बाद, कोई चीज़ जो टाटा पंच की मुझे ठीक नहीं लगती वो है एक आर्मरेस्ट की कमी। अभी इंटीरियर का पार्ट है, अब आप मुझसे बोलोगे यार आर्मरेस्ट तो आपने लगा रखा है, देखो एक बाहर से यूनिवर्सल आर्मरेस्ट लगाने में और एक कंपनी फिटेड आर्मरेस्ट देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। काफ़ी लोगों ने बोल्ट करके आर्मरेस्ट लगाए हुए हैं, मेरे जैसे मैंने वुडन वाला रखा है, तो ये हम सब बाहर के एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट कंपनी ऐसे एसेसरीज उसको दे देती ना वो भी बहुत था। आर्मरेस्ट आज के टाइम पे कॉमन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप सिर्फ गाड़ी से एक शहरों में या ऑफिस ही नहीं जाते हो, आप लॉन्ग राइड्स पे भी जाते हो, अपने गांव साइड में हो गया या फिर कहीं लंबे लंबे ट्रिप्स पे जा रहे हो, तो आर्मरेस्ट की कमी बड़ी खलती हाईवे पे, क्योंकि आर्मरेस्ट लगता है मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक मस्ट फीचर है जो गाड़ी में दिखना चाहिए। आप बेस मॉडल में नहीं दे रहे, दैट इज़ फाइन,
सेकंड मॉडल में नहीं दे रहे, दैट इज फाइन, दैट इज सेकंड टॉप मॉडल, सेकंड मॉडल में तो यार कॉमन है, देना चाहिए, ठीक है। नहीं दे रहे हो तो एज एसेसरी दे दो कि शोरूम पे बंदा लगवा ले। तो ये एक ज़रूर मुझे लगता है कि इंटीरियर में टाटा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और क्या कहते हैं, मतलब ठीक अच्छा है, नया यूनिक इंटीरियर है, बट एक आर्मरेस की कमी मुझे इस गाड़ी में ज़रूर खलती है। एक कंपनी फिटेड आर्मरेस की बात अलग होती है, ये तो वुडन वाले हैं यार, ये तो यूनिवर्सल है, किसी में भी लग जाएंगे। एक चीज़ ये हो गई। अब इसके बाद का अगर मैं कोई पॉइंट निकालूं कि क्या मुझे नेगेटिव लगता है इस गाड़ी का, उसका एक और अगर मैं आप लोगों को कमी बताऊं जो मुझे लगती है इस गाड़ी में है, वो होगी रेयर वाइपर का ना देना। अब रेयर वाइपर सिर्फ एक मतलब टॉप एंड मॉडल का फीचर नहीं है, वो एक सेफ्टी फीचर भी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रेयर वाइपर एकदम बेस मॉडल से दे दो, सेकंड मॉडल से दे दो, एटलीस्ट सेकंड टॉप मॉडल और टॉप मॉडल में तो होना ही चाहिए। अब टॉप मॉडल में तो है, बट सेकंड टॉप मॉडल में वो मिस आउट है। अब यार कोई बंदा इतना पैसा लगा रहा है, 8 लाख 9 लाख रुपये, कॉमन सी चीज़ है ना, इसमें डिफॉगर है ना, इसमें पीछे की साइड से रेयर की वाइपर दे रखे हैं। अब रेयर वाइपर की प्रॉब्लम क्या लगती है, प्रॉब्लम ये लगती है कि भाई अभी बारिश थी पिछले एक महीने में इतनी, ठीक है, बार बार पीछे का जो एरिया है, अब आप रेयर लुक कितना ज़रूरी है आप भी जानते हो, ठीक है। अब वो पूरा ही भीगा पड़ा है, उसमें पानी पानी, ना तो उसमें डिफॉगर है जो उसको ठीक करके दे रहा है, और ना ही उसमें क्या कहते हैं रेयर वाइपर है जो उसको ठीक करके दे रहे हैं। अब ये दुख चलो फर्स्ट मॉडल वाले को नहीं होगा कि ठीक है मेरा तो बेस मॉडल था, सेकंड वाले को भी नहीं होगा कि मैंने तो भाई बेस के ऊपर लिया, बट हम लोग जो सेकंड टॉप मॉडल लेने वाले बंदे हैं या इसकी जो कस्टमर बेस है, इनके लिए तो बड़ा दुख वाली बात है ना। तो यहाँ पे ज़रूर यार ये चीज़ें लगती हैं कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट करा, उसके बाद ये रेयर वाइपर की कमी ज़रूर खलती है। स्पेशली दिस इज़ फॉर सेकंड टॉप मॉडल वालों के लिए ही स्पेसिफिक है, मेरे जैसे कस्टमर्स के जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया, उसके बाद एक रेयर वाइपर या डिफॉगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, एंड ऑफकोर्स उसकी ज़रूरत होती है, वो सिर्फ एक वाइपर ही नहीं है, वो एक सेफ्टी फीचर भी है, पीछे का दिखेगा कैसे अगर सारा पानी चढ़ जाएगा तो, ठीक है। ये ज़रूर मुझे एक और लगती है इसमें। अगर मैं एक लास्ट और इसका नेगेटिव बोलूं तो मेरे अकॉर्डिंग जो होगा, जो मेरा खुद का परसेप्शन है, जो मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि यार हाँ शायद ऐसा नहीं होता होगा, हर किसी के साथ नहीं हो रहा, बट क्योंकि अब मैंने खुद पंच खरीद ली, आई एम यूजिंग इट, ठीक है, तो वो है इंजन नॉइज़, ठीक है। अभी इंजन नॉइज़ होता है इंजन का वोकल होना, कि जब भी आप एक्सलेट करते हैं गाड़ी को, अभी शायद वो आपको सुनाई नहीं देगी, इस कैमरे में तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी बिकॉज वो इतनी माइन्यूट वो नॉइस नहीं पकड़ेगा, बट एज अ यूज़र अगर आपने टाटा पंच चलाई है और आप इसको जब एक्सलेट करते हो तो इसका इंजन वोकल हो जाता है, एंड विच इज़ वेरी बैड थिंग। लेकिन थ्री सिलेंडर इंजन में ये चीज़ कॉमन है, तो इससे पहले कि हम सिर्फ इसको इसके लिए ब्लेम करें कि यार इंजन नॉइस आती है, वो थ्री सिलेंडर इंजनों में होता है, राइट। तो इसका लास्ट नेगेटिव मेरे अकॉर्डिंग जो है वो यही है कि इस गाड़ी में इंजन नॉइस आती है, स्पेशली तब जब आप एक्सीलेटर थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे ये देखो, अब मुझे नहीं पता ये कैच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा कैमरा, बट जब भी आप जैसे चौथे गियर मैंने पंजा दबाया, इंजन आवाज़ करने लग गया, ठीक है, और ये हर पंच में है। तो मतलब ऐसा मुझे लगता है, जितनी मैंने अभी राइड किए, दो मेरे दोस्तों के पास है, दोनों की पंच में तो लगा था मेरे में ही दिक्कत है, वो होती है थ्री सिलेंडर इंजन में, तो एक इंजन नॉइज़ गाड़ी में ज़रूर आती है आपको, बट वो ऐसी नहीं है कि वो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव हो, वो थ्री सिलेंडर इंजन में वाइब्रेशन और नॉइज़ थोड़ी रहती है, विच इज़ कॉमन, और वो बिल्कुल भी आपके किसी भी एक्सपीरियंस को डिस्कम्फर्ट नहीं देगी, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, बिकॉज मुझे नहीं पता था, जब पता चला, देखा कि सब में होती है, तब भरोसा हुआ कि अच्छा हाँ चलो ठीक है, वरना मुझे तो लगा था कि ये कोई दिक्कत है क्या क्या है। तो ये दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ये होती है इंजन में और इसमें भी है, तो ये एक नेगेटिव मैं कह सकता हूँ कि टाटा पंच का है। विद दैट नोट मैंने आपको काफ़ी नेगेटिव्स बता दिए जो मुझे लगते हैं इस गाड़ी में है, पॉजिटिव्स भी उससे ज़्यादा हैं अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ, बिकॉज एनी हाउ हर प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव्स का एक मिक्सचर होता है, तो पॉजिटिव इससे पहले वाली वीडियो में आप देख लो, नेगेटिव मैंने आपको इसमें बता दिए, और विद दैट नोट वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, एंड आई होप ये वीडियो में थोड़ी और आपकी हेल्प करी हो, और जल्दी हम और गाड़ियों पे भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ टाटा पंच पे ही नहीं, एंड मैं अपने व्यूज़ दूंगा रिसर्च करने के बाद, चलाने के बाद कि कैसी रही, और वो इसी तरीके की इसी फॉर्मेट में होगा, उसके बाद विल हैव अ डिस्कशन ऑन डिफरेंट कार्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम टाटा पंच। With that note, चलिए it's time to end video. Thank you for watching. Stay safe. Wear a seat belt. Mask भी पहन ही लेना. धन्यवाद. जय हिंद.